गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब अनावश्यक रूप से कॉलेज प्रशासन के द्वारा मांगी जा रही थी फीस। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी छात्रों ने काटा था हंगामा, लेकिन उसको किसी तरह से समाप्त किया गया। उसके बाद आज करीब कॉलेज के अधिकतर छात्र गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पूरा कराने की कही बात। प्रशासन मौके पर पहुंचा और उनकी बात पूरी करने के दिए हैं संकेत। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब अनावश्यक रूप से कॉलेज प्रशासन ने मोटी फीस वसूलने का फरमान जारी कर दिया। तभी छात्रों के द्वारा किया गया जमकर हंगामा और मौके पर पहुंची पुलिस भी। हम आपको बता दें कि खासकर गांधी नेहरू परिवार से जुड़े नाम वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में अधिक फीस की वसूली नेहरू गांधी परिवार की साख पर भी बट्टा लगाने का कर रही है काम। वित्त पोषित संस्था में जब इस तरह से मनमाने ढंग से होगी फीस की वसूली तो स्ववित्त पोषित संस्थानों का हाल क्या होगा, इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा और सोच सकते हैं कि अगर छात्रों के माँ बाप के द्वारा गाढ़ी कमाई इस तरह चली जाएगी तो लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे और कैसे कर पाएंगे उनके भविष्य को उज्ज्वल। आज FGIET में सुबह छात्रों के द्वारा एक मजमा लगा और देखते ही देखते यह मजमा हुजूम में बदल गया। कॉलेज के अधिकतर छात्र स्टैक पे अड़ गए और उन्होंने फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासन के मुर्दाबाद नारे लगाए और एक गहरा रोष व्यक्त किया। लड़कों का गुस्सा इतना उत्तेजक था कि कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में बुला ली मिल एरिया पुलिस। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने छात्रों से बातचीत की। छात्रों से बातचीत के बाद पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से की बातचीत। मौके को संभलता न देख कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने के लिए सोचा, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे पहुंच के उन्होंने मामले का लिया जायजा और कहा कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो डेवलपमेंट फीस ली जा रही है वह कर दी जाएगी माफ। फिलहाल मौके पर अधिकारियों के पहुंचने से कहीं ना कहीं यह संकेत सामने आ गए हैं कि कॉलेज प्रशासन का रवैया छात्रों के प्रति किस कदर बदलता जा रहा है। वाकया कुछ भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो वित्त पोषित संस्थाओं के अगर ये होंगे हाल तो आप सोच सकते हैं कि स्ववित्त पोषित संस्थाएं कितना ऐंठती हैं छात्रों से धन। रिपोर्टर संदीप अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। सेकेंड ईयर में पास बैठ गया है, कहाँ पे रहेंगे, कैसे पढ़ाई होगी।
आप लोग लगभग कितने स्टूडेंट होंगे? आप लोग कितने स्टूडेंट हैं लगभग? 300 स्टूडेंट हैं। चार में दो सौ संस्थान की फीस 39,000 रुपया 400 थी, लेकिन उसने इंक्रीमेंट करके उत्तर प्रदेश फी कमेटी ने इसमें इंक्रीमेंट करके 41,000 रुपया कर दिया, जो कि हमारे सत्र की फी है, लेकिन उसमें 22,400 रुपया जो डेवलपमेंट फी लिया जा रहा है वह किस लिए लिया जा रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। जब हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट यानी केवल नए छात्रों के लिए लिया जाएगा, लेकिन जब वह सत्र खत्म हो गया उसके बाद भी नए नए सत्रों में हमसे लिया जा रहा है, जो कि इसका कारण हम लोग पूछे हैं। कारण हमारे कारण हमें बहुत बार हम लोगों ने आवेदन दिया, हालांकि यूपीडीयू साइड में भी हम लोगों की 5,000 दी गई, यूपीडीयू साइड में भी लेकिन उससे हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा मैटर है यहाँ पे डेवलपमेंट फीस जो 22,400। हम यहाँ पे जब हमने एडमिशन लिया था तब हमने फैकल्टी से भी पूछा था कि हमको डेवलपमेंट फीस सेकंड ईयर से नहीं लगेगी, तो हमको फैकल्टी ने बताया था, फैकल्टी में 2 मेंबर्स हैं, टीचर भी कमी, सुनील शर्मा सर जिनसे मैंने मिला था फर्स्ट बंदी, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि डेवलपमेंट फीस सेकंड ईयर से नहीं लगेगी, लेकिन हम लोगों से ली जा रही है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे सीनियर थर्ड ईयर वालों से ली जा रही है, ना कि हमारे जूनियर से ली जा रही है, ओनली हम सेकंड ईयर वालों से कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आई कार्ड 1 साल हो गया, आई कार्ड हम लोग के पास नहीं है। सेकंड बहुत समस्या, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम यानी 15 लोगों को क्लास में बुक मिल गई जो राइटर मैन होते हैं, उनके अलावा कोई राइटर मिलता ही नहीं, कभी राइटर 1 साल हो गया, मैंने हर बार 1 साल से एक भी बुक लाइब्रेरी से मेरी इशू नहीं हुई है, मेरे लाइब्रेरी का आज भी रूम पे रखे हुए यहाँ पे नॉटिकल ब्रांच है, लेकिन उसकी कोई लैब पर्टिकुलर नहीं है, हम लोग बाहर का नहीं पड़ती ट्रेनिंग आता है, एक क्लास नॉटिकल ब्रांच है, उसकी कोई पर्टिकुलर लैब नहीं है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, 33 15 अगस्त के मौके पर